अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आज़म फ्रॉम टेक्निकल फौजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी नॉर्मल व्हाट्सएप को बहुत ही कमाल का व्हाट्सएप बना पाएंगे। मतलब जिस तरह से आपके मोबाइल की व्हाट्सएप होती है तो वो बड़ी सिंपल सी होती है, एक मतलब कस्टम सी होती है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो सिंपल सा होता है। आप यहाँ के जाके अपने जो किसी भी ग्रुप चैट का तो जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे मेन इंटरफेस होता है वो आप कभी भी नहीं चेंज कर पाते। तो इस वीडियो में आपको यही तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप चेंज कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से, बगैर अपने मोबाइल को रूट किए और बगैर GB व्हाट्सएप का इस्तेमाल किए आपकी ओरिजिनल व्हाट्सएप को आप कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा दें। इससे ये होगा कि जब मैं किसी तरह की नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अब हमारी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नेम है डिज़ाइनर टूल। ये इस तरह की एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर में भी जाके लिखेंगे डिज़ाइनर टूल तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिंक से डाउनलोड कर लेनी है, इजी डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने क्या करना है जी, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जब भी तो आपके पास कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग आ जाएगी। तो आपने क्या करना है जी, तो इसको यहाँ से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखें यहाँ पे, आप हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप में चलेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल स्क्रीन नज़र आ रही है। जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक पोर्ट्रेट आ रहा है, एक लैंडस्केप आ रहा है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जहाँ पे पोर्ट्रेट मोड आ रहा है सेकंड वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइनर टूल में सेकंड पे आ जाने के बाद यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक, मैंने जो है फोटोज़ ओपन कर ली। फोटोज़ ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी फ़ोटो अपनी लगा ली, मैंने मतलब ये वाली फ़ोटो मैंने उठा ली। ये वाली फ़ोटो उठाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट जब भी मैंने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इस तरह की, अगर आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन सीधी होगी तो इस तरह से आएगी। अगर हम अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं, दूसरे मोड में चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी अलग सी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है कैपेसिटी, यहाँ पर आप नीचे देख पाए जितनी भी आप स्लाइड कर, जितनी आप कम रखेंगे उतनी कम शो होगी, ज़्यादा रखेंगे ज़्यादा शो होगी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 70-80 पे रख दिया। 80 पे रखने के बाद यहाँ पे मैं अपनी मतलब के रखने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिए मॉकअप ओवरले, आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए जब हम व्हाट्सएप में गए तो ये बड़ी ही कूल किस्म की लुक दे रही है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे जो व्हाट्सएप में बिल्कुल इस तरह से आ गई है। तो यहाँ पे आप किसी भी चैट को ओपन करें या फिर इसको चलें, और उसके बाद इसका ये फ़ायदा है कि ये पूरे मोबाइल पे लग जाती है। उसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाएं तो वहाँ पे भी यही आपको देखने को मिलेगी, या फिर उसके बाद आप यूट्यूब पर चले जाएँ। यूट्यूब पर भी जाने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल ओपन किया हुआ है, लेकिन नीचे से यही तस्वीर है वही हमें नज़र आ रही है, आप देख पा रहे हैं। तो ये सिंपल सी ट्रिक सी, छोटी सी ट्रिक सी, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। लेकिन आप इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि ये मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर ज़्यादा मतलब जगह हासिल कर लेती है, जिसके बाद आपको कोई भी मसला बन सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए डिसेबल करने के बाद हमारा मोबाइल जो है सिंपल उसी तरह से, हमारी व्हाट्सएप भी, हमारे तमाम मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो ये बस सिंपल वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज का वीडियो आपको पसंद आई तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।